आपके घर में टीनेज है तो ये खबर अलर्ट करने वाली है। उज्जैन में सोशल मीडिया की लत के कारण चार लड़कियां घर से परीक्षा देने स्कूल पहुंची और परीक्षा के पहले ही वो भाग गई है। चारों की उम्र तकरीबन 14 से 15 साल के बीच है। चारों लौटी स्कूल में, 8वीं स्टूडेंट्स हैं और जब घर नहीं पहुंची तो परिजनों ने गुमशुदगी दर्ज करवाई। 24 घंटे के अंदर पुलिस ने चारों का पता लगा लिया। पुलिस ने इनके सोशल मीडिया अकाउंट चेक किए जिससे पता चला कि लापता छात्राएं अनजान लड़कों से बात करती थी। इस आधार पर खोजबीन की गई तो पता चला कि दो लड़कियां उनके सोशल मीडिया के दोस्त लड़कों से मिलने के लिए गए। बाद में दोनों को बिना यहां से बरामद कर लिया गया है और इधर दो अन्य लड़कियों के झांसी में होने की खबर मिली है। इसके बाद दोनों को भी पकड़ लिया गया। इसके बाद पुलिस ने पेरेंट्स के लिए एडवाइजरी जारी की है कि बच्चों के सोशल मीडिया अकाउंट्स पर नजर रखें। सोशल मीडिया एक रियलिटी है तो उसमें क्या है कि हम ऐसा भी नहीं कह सकते कि आप अपने बच्चों को की फ्रीडम पे रोक लगाएं या उनको कुछ करने की इजाज़त ना दें, क्योंकि इससे गुस्सा ही पनपता है बच्चों में। तो इसका बेहतर रास्ता है कि फ्रीडम के साथ आप उन्हें रेस्पॉन्सिबल भी बनाइए, उन्हें सही और गलत में अंतर करने का फ़र्क समझाइए ताकि जो उनके लिए सही है जो गलत है उस चीज़ का वो भेद कर सकें। तो एक रेस्पॉन्सिबल अपने बच्चे को या बच्ची को बनाना मेरे ख्याल में आज के दौर की सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है, क्योंकि आप सोशल मीडिया को एक जो रियलिटी है तो उसके साथ आपको अडॉप्ट करना पड़ता है।